अब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है और ऐसे में ग्राउंड पर क्या तैयारी है ये बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे उनसे कि क्या है ग्राउंड पर तैयारी। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे, दीपा का सीधे रुख करेंगे। दीपा, क्या बड़ी खबर है बताइएगा। बिल्कुल जया, देखिए 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। गोरखपुर से बड़ी जानकारी है, महाराजगंज सीट पर मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर है कि गोरखपुर के कचहरी क्लब भवन टाउन हॉल में काउंटिंग सुबह 8 से 10 बजे तक होगी और वोटों की काउंटिंग होनी है 8 से 10 बजे तक। भाजपा के सीपी चंद और सपा के रजनीश के बीच में यहाँ पर टक्कर है। अब कौन किस पर हावी होता है, कौन बाजी मारता है, इस पर लगातार नजर है। और देखिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे से शुरुआत होगी, 10 बजे तक ये कहा जा रहा है कि काउंटिंग हो जाएगी। भाजपा के सीपी चंद और सपा के रजनीश के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। आज पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। कुछ देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। प्रतापगढ़ में 3 चरणों में होगी वोटों की गिनती और 18 मतपेटियों में रखे गए हैं बैलेट पेपर और वोटों की गिनती के लिए 6 टेबल्स लगाई गई हैं। आज होगा 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। देखिए 7:10 का वक्त हो चुका है और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद पूरी तस्वीर प्रतापगढ़ से भी साफ हो जाएगी। कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू होगी और 3 चरणों में कहा जा रहा है कि काउंटिंग यहां पर होनी है। तो देखिए ताजा अपडेट क्या है वो हमने आपको बता दिया। सनुज और शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। अपडेट दीजिएगा, क्या तैयारी है और क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार जब से वोटिंग हुई है उसके बाद से लोगों से बातचीत भी हो रही होगी, तो क्या समझ आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम कलेक्ट्रेट पर मौजूद है जहां पर वोटों की गिनती होनी है। सबसे पहले देखिए यहां की तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आंकड़े भी बताएंगे। जरूर देख सकते हैं आप, यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की अगर बात करें तो वो भी यहां पर तैनात किए गए हैं आगे की तरफ। यहां पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनकी टुकड़ी भी आगे की तरफ लगी हुई है। और अगर बात करें यहां पर इस पोलिंग सेंटर की, हम अपने सहयोगी से कहेंगे वीरेंद्र से कि वो हमारे साथ चले और तस्वीरें दिखाएं और हम आगे की पहले सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ तक बात की जाए देखिए आज की वोटिंग को लेकर, तो लखनऊ के इस बूथ पर, लखनऊ उन्नाव जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी काउंटिंग होनी है। कुल 3,974 वोट यहाँ पर है और अगर बात करें इन 3,974 वोट में तो कुल 27 बूथ देखिए बनाए गए थे, 60 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं और इन 60 टेबल पर देखिए यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं, इन 60 टेबल पर ये काउंटिंग होगी सुबह 8 बजे से। SDM सदर समेत तमाम यहाँ पर अधिकारी जो है पहुँच चुके हैं। अभी देखिए जो ACP हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ ही देर में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और या DM हैं यहाँ के अभिषेक प्रकाश, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जो मुकाबला है लखनऊ की रण का अगर हम बात करें तो देखिए वो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी निवर्तमान MLC हैं सुनील सिंह साजन के बीच में और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र प्रधान मैदान में है, इनके बीच में मुकाबला यहां पर हो रहा है और कुछ ही देर में 8 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू कर दी जाएगी। और ये माना जा रहा है, क्योंकि वोट की संख्या देखिए बहुत कम है, सिर्फ 3,974 वोट है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा वोटों की गिनती में, उन्हें समय से पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो खुद भी रह सकते हैं, इसके अलावा उनके जो पोलिंग एजेंट यहाँ पर हैं, जो उनके एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस दौरान, उनको यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। अगर हम, क्योंकि इस समय देखिए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हैं, अगर हम कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की बात करते हैं तो बैरिकेडिंग करके इस पूरे रूट को बंद करा जा चुका है, इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर में जो आम वाहन, आम लोगों के वाहन हैं, जो बसें क्योंकि यहाँ पर चलती है, सरवाग बस अड्डा है, वहाँ पर मूवमेंट बंद हो जाएगा, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। और कितनी तैयारियां और कैसे तैयारियां की गई हैं इसके बारे में पूरी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।